हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज लोग NCERT क्लास 9 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.5। तो देखिए, पहला नंबर, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर 2 - √5, फिर दूसरा है ब्रैकेट 3 + √23 यानी कि √23, ब्रैकेट बंद, फिर -√23। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को दो चीज समझना बहुत जरूरी है। पहला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बाकी तो आप ये दोनों को समझिएगा, बाकी खुद बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या है वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, Q इज इक्वल टू नॉट 0, जैसे 1/5, 2/3 या फिर 1/2, इस तरीके से और बहुत सारा जाएगा। क्लियर है? बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर 2/0 लिखते हो आप तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? ये अपरिभाषित है, 2/0 ये अपरिभाषित संख्या, इसको ध्यान देना है। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर ऊपर 0 रहता नीचे 2 रहता तो ये एक संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, और P/Q के रूप में बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, इसी का ऑपोजिट। देखिए, अपरिमेय संख्या है वैसे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, अपरिमेय संख्या में भी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया था 2/0, ये परिमेय संख्या भी नहीं है और अपरिमेय संख्या भी नहीं है, इसको ध्यान देना है, ये अपरिभाषित संख्या है। क्लियर है? नीचे 0 रहेगा तो परिमेय भी नहीं रहेगा और अपरिमेय भी नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है। देखिए, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है और π अपरिमेय संख्या, इसी तरीके से और बहुत सारा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, √2 को ही हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। √2 को अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1.414135623090951, यहां भी खत्म नहीं हो रहा है, ये और आगे चला जाएगा बहुत दूर तक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या है। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि ये जो दशमलव शांत है, मतलब ये अशांत होना चाहिए। ओके, अशांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कहीं पर भी देखिए रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए या फिर अनावर्ती। अब देखिए, अनवसानी अनावर्ती मतलब क्या होता है, ये वैसी संख्या है जो रिपीटेशन नहीं होता है। क्लियर है? इसको हम लोग देखिए अशांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और अनवसानी अनावर्ती को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, नॉन रिकरिंग, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, अशांत दशमलव प्रसार और अनवसानी अनावर्ती का, क्योंकि यही दो ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आपको पता करना है कि कौन कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इधर मान के चलिए हमारे पास है 1.333333। क्लियर है? तो ये तो आगे चला जा रहा है, तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। ओके, अशांत दशमलव, ये शांत नहीं है, देखिए 3333 रिपीट हो ही रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं 1.3 का बार। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये तो देखिए रिपीट इसमें हो रहा है, पर एक
फिक्स संख्या रिपीट हो रहा है, बस 3 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यह हमारा जो संख्या है 1.3 का बाद यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मानकर चलिए हम लोग कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे कि 1.01001001001001, यहाँ पर देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कहने का मतलब यहाँ पर 10 फिर 1, फिर यहाँ पर 20 फिर 1, यहाँ पर 30 उसके बाद 1 आया, यहाँ पर 40 1234, यहाँ पर 40 फिर 1, फिर 1234 50 फिर 1, इस तरीके से अगर ये बढ़ते रहेगा तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, √2, क्लियर है, √2 इसका जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने इधर पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है 1.41421356230951, ये कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसके जैसे यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं इसी के तरीके से कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। लेकिन और चीज देखिए, अगर मानकर चलिए कोई संख्या ऐसा रहता कि 2.441 फिर 41 41 41 41, इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर जो 41 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.441 का बार, मतलब 41 में बार लगेगा, तो ये देखिए कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक फिक्स संख्या ही रिपीट हो रहा है, क्लियर है, 41 41 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर मैं परिमेय अपरिमेय को क्लियर कर रहा हूं, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि अलग से और एक वीडियो बना दूं इस पर। अब हम लोग फिर से एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपरिमेय संख्या का, तो मानकर चलिए यहाँ पर अगर हम लोग √3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1.73205080 7, फिर ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और ये इंड भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका अंत भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये ध्यान देना है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे √4, अगर √4 को हम लोग इसका रूट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 × 2 निकलेगा, फिर इधर हम लोग निकाल देंगे 2, तो क्या बच गया, फाइनली 2 आया है, तो 2 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना है कि बस रूट को देखकर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये परिमेय या अपरिमेय है, अगर रूट का पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है तो ये परिमेय संख्या है। और एक लास्ट एग्जाम्पल, मानकर चलिए हमारे पास 4.23567941237981 इतना लंबा है, लेकिन लास्ट में ये इंड हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बस फाइनली ये बताना था इस पर कि अगर देखिए कोई ऐसा संख्या है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, इंड नहीं हो रहा किसी का, और वह रिपीट भी नहीं हो रहा है, ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली पर आते हैं। पहला नंबर देखिए, 2 − √5 है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या ही बचेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग आंसर में इस तरीके से लिखेंगे, नीचे 1 नंबर देकर 2 − √5, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, हमें ज्ञात है कि 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी कि घटाव
क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा लिखा हुआ है, घटाव। तो घटाव को हम लोग जब शब्द में लिखते हैं तो अंतर लिखते हैं। अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा आंसर, आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 + √23 फिर ब्रैकेट बंद फिर -√23। तो चलिए ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं पहले, उसके बाद पता चलेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। तो देखिए यहां पर जो संख्या है, क्लियर है, 3 + √23 इसको हम लोग लिखेंगे नीचे 3 + √23। +√23 और -√23 दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। तो देखिए 3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, 3 कॉमन सी बात है, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए अतः देखिए यहां पर जो है ऊपर 3 + √23 - √23 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये हमारा हो गया है आंसर। यहां पर ये परिमेय संख्या क्यों हुआ है, क्योंकि 3 आया है आंसर और 3 एक परिमेय संख्या है, इसको ध्यान देना है। अब लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 √7 / 7 √7। तो इसको हम लोग देखिए सोल्व करते हैं, √7 √7 दोनों में है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सिर्फ 2/7। तो 2/7 परिमेय है या अपरिमेय है, ये तो p/q के रूप में है और नीचे 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अतः 2 √7 / 7 √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 1/√2, क्लियर है, 1/√2। यहां पर देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, एक तो परिमेय संख्या है लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। और देखिए जब हम लोग एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, सेम एक नंबर जैसे, यहां पर जैसे हम लोग लिखे थे सेम लिखेंगे, बस यहां पर अंतर की जगह में हम लोग यहां पर भाग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर हमें ज्ञात है कि एक, यानी कि ये वाला एक, एक परिमेय संख्या है। और देखिए नीचे क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, क्लियर है, इसीलिए। तो देखिए अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, जो कुछ भी होगा यहां पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, इसलिए हम लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखिए लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, √π है। तो देखिए यहां पर 2 जो है ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, परिमेय संख्या आएगा, ओके, परिमेय संख्या आएगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं, नीचे लिखेंगे हमें ज्ञात है कि 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और पाई, ओके पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, क्लियर है। तो इसीलिए अतः 2 पाई, ओके 2 into π एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो बेसिकली अगर समराइज करें तो ये पता चलता है कि एक देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या रहेगा, इसको जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करेंगे हम लोगों को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट किए, एक नंबर कंप्लीट किए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।